कल देहरादून में घसियारे कल्याण योजना की शुरुआत करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस को जमकर टारगेट किया। गृह मंत्री के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ देहरादून पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के कई सवाल किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में कांग्रेस भवन में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शराब प्रेमी सरकार है और अमित शाह इसी शराब प्रेमी सरकार के लिए वोट मांगने आए। उन्होंने घसियारे कल्याण योजना और उसके नाम दोनों पर सवाल उठाए। गौरव वल्लभ ने कहा कि उत्तराखंड में तमाम विरंगनाएं हैं और उत्तराखंड की महिलाओं को घसियारे नाम देना महिलाओं का अपमान है। उन्होंने सरकार को रोजगार के मुद्दे सहित कई और विषयों पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ ही गौरव वल्लभ ने गृह मंत्री अमित शाह की तमाम सवालों का जवाब भी दिया और राज्य और केंद्रों दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा भी किया। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, क्यों इतनी घृणा क्यों है उत्तराखंड के युवाओं से आपकी? आप यहाँ आके चुनौती देके गए, मैं तो आपको आप सरकार के ही डेटा बता रहा हूं। क्या आपने आज तक पीएससी की परीक्षा करवाई कि नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन की? और नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? अधीनस्थ चयन आयोग की कोई परीक्षा अभी तक क्यों नहीं हुई? अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट में अगर केस जीत गए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस जीत कर आए तो आपको नियुक्तियां देनी पड़ी। अगर और कोई कोर्ट होता तो वहां चले जाते, पर युवाओं को नियुक्ति नहीं देनी। कल बोल के गए कि अब जब चुनाव सामने देख रहे हैं तो आनंद फानंद में इतनी रोजगार दे देंगे। अरे आपने तो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया था, उसका क्या हुआ? कितने हजार रोजगार दे देंगे? जो सरकार 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई वो सरकार अब भी कुछ नहीं कर सकती। जिस सरकार ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया हो वो सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं उत्तर प्रदेश, मैं उत्तराखंड के हर बाशिंदे की ओर से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस शराब प्रेमी सरकार के लिए वोट क्यों मांग रहे हो? ये तो शराब को बेचने का काम, इसका एक ही मैंडेट है, शराब बेचो, युवाओं से रोजगार छीनो, ये एक ही मैंडेट है इस सरकार का। आप कह रहे हो, आपने एक और बात कही यहां आके माननीय गृह मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी। मैं आपसे और बड़ी जिम्मेवारी से पूछ जी, एक एक का उत्तर उन्होंने क्या दिया वो बता देता हूं आपको। 2017 मार्च में जब हरीश रावत जी की सरकार थी उस समय उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 0.3% और ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE का आंकड़ा, 0.3%, 1% से भी कम, 0.3% मार्च 2017 में उत्तराखंड में बेरोजगारी थी, जो मार्च 2020 में बढ़कर हो गई 19.9%, 0.3 से 19.9%। सितंबर 2020 में उत्तराखंड की बेरोजगारी देश में नंबर 1 पर हो गई, 23%। ये उन्होंने 5 सालों में दिया। उन्होंने उत्तराखंड के पूरी एक जनरेशन को, पूरी एक पीढ़ी को CPS अधिकारी बनने से वंचित कर दिया। उन्होंने पूरी एक पीढ़ी को पुलिस के अंदर नौकरी पाने से वंचित कर दिया। उन्होंने पूरी एक पीढ़ी को, पूरी एक जनरेशन को अधीनस्थ सेवा में रोजगार पाने से वंचित कर दिया। ये उन्होंने दिया। और रही बात की 5 साल में क्या दिया, मैं आपको डाटा वाइज बताता हूं कि जो रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड में उस समय जो सरकार का बजट था और जो सरकार की एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का जो ग्रोथ था वो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल जिम्मेवारी से ये सवाल, ये आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूँ। मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, पर मेरे को ग्रोथ का आंकड़ा एग्जैक्टली पता है कि जो बजट की साइज रावत जी के 5 साल में बढ़ी थी उत्तराखंड में
वो अभी की सरकार के 5 साल में नहीं बढ़ी है। जिस तरह से आपदाओं को, जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं को हमने हैंडल किया, कल गृह मंत्री जी कई और बातें भी करते चले गए कि कुछ नहीं हुआ यहाँ प्राकृतिक आपदा, इन्होंने सब सेटल कर लिया। 75 लोगों ने अपनी प्राण त्याग दिए। मुझे लगा देश के गृह मंत्री आपके उनके मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धा जीवन अर्पित करेंगे। वो कह रहे 75 का कुछ नहीं है। कि कैसी सरकार जिसमें संवेदना नहीं है पर शराब है, जिसमें डेवलपमेंट नहीं है पर बेरोजगारी है, जिसमें रोजगार नहीं है पर करप्शन है, ये कैसी सरकार है? और जिसमें प्रधानमंत्री जी कपड़ों की बात करके, मुझे लगा प्रधान, सच बता रहा हूँ, मुझे लगा कि ये अपने जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के कपड़ों के बारे में जो टिप्पणी करी उसके लिए गृह मंत्री जी माफी मांगेंगे, पर वो तो कुछ और ही बात करके चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या बोलना। तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि जो हमारे रावत जी की सरकार के 5 साल में जो बजट की साइज का ग्रोथ था, वो अभी की जो 3 मुख्यमंत्रियों की जो सरकार है उस ग्रोथ से हमारी सरकार की ग्रोथ ज्यादा थी। होम डिलीवरी जो अमेजन फ्लिपकार्ट तो करते हैं एसेंशियल आइटम्स का, हमारी उत्तराखंड की सरकार दारू की होम डिलीवरी करती है। ये अद्भुत रिकॉर्ड है इनके। आज तक ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसमें पिछले 5 साल की सरकार में एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि स्टेट की सबसे रेपुटेटेड परीक्षा और पद होता है पीएससी के थ्रू। आज तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहां पीएससी नहीं हुई होगी, पर उत्तराखंड का राज्य है। आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां अधीनस्थ सेवा की कोई परीक्षा नहीं हुई होगी, पर उत्तराखंड ऐसा राज्य है। आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जो अपने राज्य के युवाओं से रोजगार छीनने के जो अवसर मिलता उसके लिए कोर्ट में वकीलों को करोड़ों रुपए देने को तैयार है, पर युवाओं को रोजगार नहीं देना, ऐसा मैंने राज्य नहीं देखा। और माननीय गृह मंत्री जी कल चुनौतियां देके गए, माननीय गृह मंत्री जी वो चुनौती वाला पैराग्राफ भी आपको इन्होंने लिख के दिया था, आप पढ़ के चले गए। हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, पर मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य या उनका एमएलए या उनका कोई जिलाध्यक्ष या उनके प्रदेश का कोई पदाधिकारी, जहां पर भी चाहे, जिस भी वातावरण में चाहे, हाँ दारू पीते नहीं होगी क्योंकि उनका तो दारू को बढ़ाना देने का काम है, शराब वाला काम नहीं होगा उसमें, वो अव्वल है। जहां पर भी चाहे, जिस कमरे में भी चाहे, जिस वेन्यू में भी चाहे, जिस एनवायरमेंट में भी चाहे, कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता आएगा और आपको आपका प्रतिबिंब दिखा के चले जाएगा। ये मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं आपसे, आपने जो 56 इंच और 72 इंच और 108 इंच और ये जो आपकी आदत है ना, इससे देश डूब चुका है। हम तो बड़ी गंभीरता से एक बात कह रहे हैं, आप जिसको भेजना चाहो, जहां भेजना चाहो, जिन परिस्थितियों में भेजना चाहो, हमारा एक साधारण कार्यकर्ता आएगा, एक युवा कार्यकर्ता आएगा, आपको आपका प्रतिबिंब दिखा के चले जाएगा।